आदरणीय उप जिला प्रमुख मोहन जी डागर से निवेदन है कि 2 मिनट वो अपना संबोधन रखें। राम राम सा। श्री वीर तेजा जाट समाज संस्थान के आज इस प्रतिभा सम्मान समारोह में हमारे बीच में विराजमान इस क्षेत्र के लोकप्रिय और बहुत ही प्रभावशाली विधायक परम आदरणीय विद्याधर जी, जयपुर की जिला प्रमुख महोदया भाई अनिल चोपड़ा जी, सम्मानित मंच, सम्मानित आयोजनकर्ता, मेरे सामने बैठे हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों और सभी सम्मानित प्रतिभाशाली छात्र और छात्राएं जिनका सम्मान किया जा रहा, आज के इस मौके पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सबसे पहले मैं आपको दीपावली की, पावन पर्व की, गोवर्धन पूजा और भैयादूज की भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, डॉक्टर भागचंद जी ने, सम्मानीय बोचलिया जी ने काफ़ी सारी बातें हमें प्रेरणादायक कही, उन बातों का सम्मान करते हुए इस मौके पर मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि जाट समाज वो समाज है जो सबको साथ लेकर चलता है और अपने दम पर मेहनत करके सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए हमारे बुजुर्गों ने खेती किसानी करके हमें पढ़ा लिखा कर यहाँ तक आगे बढ़ने का अवसर दिया। ये बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए और ख़ास तौर पर आज जो ज़रूरत है वो इस बात की है कि जाट समाज इस बात के लिए जाना जाता है कि हम सबके सहयोगी बने, आपस में भाईचारा रखें, एक दूसरे का मान सम्मान करें। आज कहीं न कहीं कमी आ रही है तो इस बात की आ रही है कि बेवजह हम एक दूसरे के ऊपर टिक्का टिप्पणी करते रहते हैं जिसकी वजह से हम आलोचना के पात्र बनते हैं। मैं आपसे इस मौके पर इतना ही आग्रह करना चाहूँगा कि आज खेती किसानी के साथ साथ में व्यावसायिक क्षेत्र में भी हमारा समाज आगे बढ़ रहा है और हमारे बुजुर्गों ने भी हमें इस बात के लिए प्रेरित किया कि शिक्षा ही एक ऐसा वेपन है, ऐसा हथियार है जिसको अपनाकर हमारी आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बच्चों ने काफ़ी कीर्तिमान स्थापित किया, लेकिन सही मायने में ज़रूरत है कि जो जिस प्रकार से देश 21वीं सदी में जा रहा है, सूचना टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी का जमाना है, आज के इस ज़माने में पल भर में हमारी सूचनाएं हम देश और दुनिया में पहुंचा पाते हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि विनम्रता पूर्वक सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए आने वाली पीढ़ी कड़ा संघर्ष करके, मेहनत करके आगे बढ़े और एक दूसरे के सहयोगी बने, इस बात की सख्त आवश्यकता है। और जो आज हमारे समाज के आयोजन करता है उनको मैं बहुत ज़्यादा बधाई और धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ साथ हमें राजनीतिक क्षेत्र में भी एक जागरूकता पैदा करने की ज़रूरत है, कहीं न कहीं हम राजनीतिक क्षेत्र में भी पिछड़ रहे हैं। हमारे जैसे नौजवान इस क्षेत्र में इसलिए काम कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, बुनियादी सुविधाएँ लोगों को मिले। आपके आशीर्वाद से मुझे उपजिला प्रमुख बनने का मौका मिला। मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि जिला प्रशासन और पंचायती राज की कोई भी हमारे लायक सेवा हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, एक अच्छे सहयोगी के रूप में हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भाई किवड़ा जी को शानदार संचालन के लिए और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। भाई किवड़ा जी हमेशा आने वाली पीढ़ी और बच्चों के कल्याण के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं, इनको भी मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद और बधाई देता हूँ। जय हिंद। राम राम साहब।